टाइम वी स्टार्ट गिविंग आर इंटरव्यू। जैसे ही हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के स्टेप वन बाय वन दो तीन चीजों से चालू होता है। पहला तो होता है आपका रिज्यूमे, जिसमें आपकी कुंडली लिखी होती है। हमारी 30 साल की उम्र में 30 मिनट का इंटरव्यू हमारी पूरी कुंडली क्या कर देता है, बता देगा कि हमने है क्या एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कहीं पर जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड, हमको एक रिज्यूमे बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? रिज्यूम बोलते हैं हम लोग उसको, इसको बाकी में थोड़ा सा बोलना चाहिए रिज्यूमे। रिज्यूमे सीवी भी बोलते हैं, बायोडाटा भी बोलते हैं। बायोडाटा स्पेशली पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग कहीं वेडिंग शादी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन वो होती है तो बायोडाटा जो आपके बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। सीवी बोलते हैं वो उतना आजकल चलन में नहीं बोलते, रिज्यूम बोलते हैं, RESUME, उसको बोलते हैं रिज्यूमे। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल क्वालिटी, आपका जो प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमको हमारा रिज्यूमे बताता है, वो रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, राइट उसके बारे में हम अपने क्लासेस में सीखेंगे। एक रिज्यूमे अब हमारा चला गया, ज्यादातर आज डिजिटल फॉर्म में जाता है रिज्यूमे, है ना, जैसे जॉब पोर्टल्स हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर कहीं मान लो जॉब्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू कि वी सेंड देम मेल। मेल तो हमारा एक प्रॉपर रिज्यूमे कैसे बनना चाहिए, रिज्यूमे कितना लंबा होना चाहिए, कितना लंबा नहीं होना चाहिए, क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सपोज कहीं पर एक वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी के अगेंस्ट में समझो 500 रिज्यूमे आ गए, तो हमारा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट भी तो होना चाहिए। तो हमने अभी 10 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है हम उसमें आपको सिखाएंगे कि आपके रिज्यूमे क्या चीज होनी चाहिए जो एक इंटरव्यूअर को, जो एक कंपनी को आपको शॉर्ट लिस्ट करने में मदद करता है, राइट। रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ तो हम फिर उसके रिटर्न एग्जाम के लिए जाएंगे। तो रिटर्न एग्जाम तो हम लोग सीख ही रहे हैं और एकेडमिक में सीख गया है। तीसरा आता है हमारा इंटरव्यू। अब वो इंटरव्यू को हम कैसे सीखते हैं? इंटरव्यू में मैंने बताया हमारी 25-30 साल की उम्र है, वो 25-30 साल की उम्र में हम 25 मिनट भी अपने बारे में बोलने से कभी कभी घबरा जाते हैं या बोल नहीं पाते, जो मेरा अभी तक का आप में से हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अभी तक का जो मेरा 10-11 सालों का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, उसमें मैं देखता हूँ 90% स्टूडेंट्स यहीं पे मार खा जाते हैं। तो उनको अपने बारे में क्या इंटरव्यू को शो ऑफ करना, पहला ही क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर आती कभी सैलरी की बात आती है, कभी हॉबी की बात आती है, कभी आपके स्ट्रेंथ की बात आती है, कभी आपके वीकनेस की बात आती है। फिर आपका टेक्निकल वो आता है कि आपने क्या किया टेक्निकल के लिए, तो आपके सर्टिफिकेट आपको बता रहे हैं मेरे 80-90% है, दैट इज माई प्रूफ ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब जो चीज का जो नहीं है जो हमको चाहिए, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। फिर वहाँ कॉन्फिडेंस भी आता है, प्रेजेंस माइंड ऑफ माइंड भी आता है, वो आपको क्या टास्क दीजिए, उस टास्क को कैसे उसको हमको लेना है। जो हमने गेम में अभी कुछ चीजें सीखी, हमने क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मेजरली सबसे बड़ा एक इंटरव्यू में जो पहला ही क्वेश्चन आता है, जहाँ पे हम यदि 2 मिनट या 1 मिनट के लिए प्रॉपर हम अपने आप को प्रेजेंटेशन दे दिया, तो हम इंटरव्यूअर को भी जीत सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो सकता है। वो 2 मिनट का समय होता है, वो होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बताइए आप क्या, आपके बारे में निधि या जो भी अंकित है, आप आपके बारे में बताइए क्या। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में तो साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं साइड में, जो हमको पता नहीं चलते पेपर पेन लेके कि मूवमेंट कैसा, हाथ होगा क्या कर रहा है, आई कॉन्टेक्ट कैसा है, अपने बारे में कैसा बता रहा है, कैसा नहीं बता पा रहा है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में आप फ्लुएंट है इंग्लिश में बातें करिए, इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है हिंदी में बातें करिए, दोनों का एक ही लेवल है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो अपर हम हायर एजुकेशन हायर पोजीशंस पे जाते हैं तो इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे अपने को इम्प्रूव करना है, जो हम एकेडमिक में जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ट्रेनिंग में जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और डे टू डे की जो ऑर्गेनाइजेशनल उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में किस प्रकार की इंग्लिश होती है डे टू डे, वो हम अपन आगे की कुछ क्लासेज में सीखते हैं, राइट। और इंटरव्यू की जो पहले चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं ही मान लो MBA का ही या आप कोई MBA है या कुछ भी है, तो आपने मुझसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मैंने बताया कि आपके कम्युनिकेशन में एक नम्रता होनी चाहिए। नम्रता कोई स्टूडेंट नहीं है इसको लेकर के जाना, नम्रता मतलब आपके लहजे में नम्रता होनी चाहिए, पोलाइटनेस से सुनी होनी चाहिए।
सामने बोला बोला यस सर एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या बोलेंगे? थैंक यू सर, इट्स वेरी गुड. वहां से आप अपने को लाइट कर रहे हैं, लाइट भी कर रहे हैं और आप अपने को उसको पोलाइट बता भी रहे हैं कि नहीं मैं पोलाइट हूं. सामने वाले को यस शगन सर ने रिज्यूमे दिया, रिज्यूमे देके बैठ गया सर, दिस इज माई रिज्यूमे. बोले यस, वो रिज्यूमे पढ़ा, यस टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. यस सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर आपने मुझको मौका दिया. सर माय नेम इज शरण उपाध्याय, मेरा नाम शरण उपाध्याय है. एंड ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर इमोशनल होकर कभी फैमिली की ज़्यादा दे दिए, भैया मेरे मम्मी ये हैं, पापा ये हैं, भाई ये हैं, बहन है, वाइफ ही हैं, हस्बैंड हैं, इसमें ज़्यादा नहीं. अपन वहाँ पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है. अभी आपको कभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे मोबाइल की बातें की थी, तो मोबाइल में आप लोग खरीदने जाते हैं, ये मोबाइल खरीदने गए आप और ये मान लो स्क्रैच वाला मोबाइल है या ज़्यादा फंक्शन नहीं है या बाबा दादी के ज़माने का मोबाइल है, आप इसको खरीदोगे क्या? भले आपका 5,000 का बजट है लेकिन उसमें क्वालिटी तो चाहोगे आप लोग. वैसे इंटरव्यूअर्स भी हमसे क्या चाहता है, क्वालिटी चाहता है. हम मार्केट में क्या खरीदने जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, क्वालिटीज खरीदने जा रहे हैं. वैसे ही एक इंटरव्यू में हम अपने आप को क्या करने जाते हैं, सेल करने जाते हैं. क्या करने जाते हैं, बेचने जाते हैं. हम स्किल्स को बेचने जाते हैं जिसके अगेंस्ट में हमको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, जिसके अगेंस्ट में हमको पैकेज मिलती है. अब सामने वाला करता है ना कि भैया ये पोजिशन है, अब इसकी रेंज 10,000 से 15,000 मिलना है. एक को 10 मिलती है, एक को 15 भी मिलती है, किसी को औसत 12 भी मिलती है, किसी का होता ही नहीं. और कोई ऐसा बोलता भैया 15 में तो नहीं होगा, माई एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 25,000. तो उसको क्वालिटीज देखकर 25,000 भी ऑफर करता है. तो उसमें क्या क्या वो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आपकी क्वालिटीज वहां पर चेक होती है, इंटरव्यू में चेक होती है. आपका जो वो रिटर्न एग्जाम में तो पूरा उसने एकेडमिक कर लिया, अब वो क्वालिटीज चेक होंगी ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. तो जैसे उसने बोला नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो हम आगे आपको तैयारी करवाएंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. माय नेम इज शैलेंद्र दुपाक है एंड आई बिलोंग टू जो भी. फिर आपका धीरे धीरे उसको कि मैं जबलपुर से हूँ, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, माई फादर ये, मदर ये, यदि प्रोफेशनल उसको जोड़ पाओ और फिर अपने सेलिंग स्किल पे आ जाओ. सेलिंग स्किल पे कि वाई शुड यू हायर मी, आपको मुझको क्यों हायर करना चाहिए. वहां पे बातें होती है एक्सपीरियंस की. आज का समय आप में कितने लोग ऑन द जॉब है, एक्सपीरियंस वाले हैं, अभी फ्रेशर है सब? सर जॉब कर चुके. फ्रेशर के साथ थोड़ा सा ये समस्याएं आती हैं, थोड़ा सा और भी कैंडिडेट्स की अपेक्षा थी, कहीं फ्रेशर है, कहीं एक्सपीरियंस है, तो ये थोड़ा सा खाई रहती है एक्सपीरियंस और जॉब के बीच में. तो हमारी टीम आने वाले समय में आपसे इंटर्नशिप के लिए बात करेगी कि आप कैसे एक कुछ प्रोजेक्ट में काम करके अपना एक एक्सपीरियंस शो करते हैं. जब आपके रिज्यूमे में देखा रहता है यस आई एम हैविंग 3+ ईयर ऑफ वट एवर, 3 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस या 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसको थोड़ा रहता है कि थोड़ा उसको मार्केट का नॉलेज है. चाहे भी मार्केटिंग के लिए आया तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का नॉलेज है, थोड़ा सा उसको बात है प्रोफेशन कैसा होता है. तो वहाँ फिर कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं करनी पड़ती, इसको भी ट्रेनिंग भी दो तो फिर ये करो तो वो करो. तो 90% केसेस में एक्सपीरियंस की मांग होती है. ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती, फ्रेशर्स को जॉब भी मिलती है, लेकिन फिर उसमें क्या होता है, उसको मार्केट का सिखाना, उसको उसका चीजों का वो करना, तो कंपनी की बहुत कॉस्टिंग वहां पे ये हो जाती है, इन्वेस्ट हो जाते हैं. तो हम लोग आगे चल के आपको उसके बारे में जानकारी देंगे. और फिर टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ वाला ये क्वेश्चन हो गया. बस जब तक आप बोलते जाइए, जब तक उसके चेहरे से यह ना लगे कि भैया रुक जाओ आगे बात करो, राइट, तब तक कम से कम बोलिए. ऐसा ना हो कि मैं पहली बार जब मैं बात करता था सर, मैं आज से 8-10 साल पहले पहली स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सीखा था, ये था वो था और बड़ा कॉन्फिडेंट था, नहीं मुझे इंग्लिश आने लगी. मैं ये अशोका होटल था उस समय किसकी जॉब का था, तो मैं चला गया नहीं अच्छे ड्रेस व्रेस पहन के, ये वो नहीं है तो जाना पूरा तैयारी के साथ, कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था. चले गए तो पता था कि भैया वो तो इंटरव्यू आमने सामने 1 by 1 होता है, वो हॉल में बैठ गए, 100 लोग बैठ गए. मैं कहा भैया अंदर बुलाएंगे, चाय कॉफी पिलाएंगे, कहेंगे सर
वो क्या था, वो सामने आई HRI बॉम्बे से, दैट इज शैल टेल मी समथिंग अबाउट इट। सलील के माइंड में तो और कुछ चल रहा है, सलील ने कभी तैयारी नहीं किया था 100 लोगों के सामने बोलने की। तो कहा यस सलील टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैंने कहा मैम मैम दिस इज शैलेंद्र। हाँ शैलेंद्र, तेरे दिमाग में उपाध्याय है, पटेल है, खान है, क्या है शैलेंद्र? यस आगे मैम आई एम कमिंग फ्रॉम तालिबान से आया, पाकिस्तान से आया, वो पूरा तैयारी कर रहा था। मैंने जैसे पहले बताया, सोचना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना। हम लोग आपको पर्सनल इंटरव्यूज की भी आगे तैयारी कराएंगे कि इंटरव्यूज में हम जाते हैं तो कैसे हर एक क्वेश्चन का क्या एक प्रॉपर जवाब होना चाहिए, जो आज के समय में एक इंटरव्यूअर आपसे चाहता है जवाब चाहता है। मतलब वो आपका हर 15 मिनट में ये जानना चाहता है कि आप इस जॉब के लिए कैपेबल है या कैपेबल नहीं है, हमको ये जानने की जरूरत है। दूसरा जब बात आती है कभी कभी स्ट्रेंथ की आती है, वीकनेस की आती है, वो जानना चाहता भी है कि आप क्या भी क्या अच्छी चीज क्या है, वीकनेस क्या है। तो कई लोग बोलते हैं कुकिंग है तो पोहा खाना है, मिक्सचर खाना है, ये नहीं, ये जवाब नहीं देना। जवाब देना उसके काम से रिलेटेड, क्या वीकनेस है। वीकनेस तो सब में होती है, वीकनेस को भी हम स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हैं। वहां सर ये मेरी वीकनेस है। बात आती है सैलरी एक्सपेक्टेशन। मार्केट में जाते हैं तो सैमसंग का मोबाइल हो, वीवो का मोबाइल हो, ओप्पो